अब यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकायदे तौर पे पैसे लिए जा रहे हैं। कितने पैसे ले रहे पर्ची के? जितने मिल जाए ले जाते हम। कितने कितने पैसे भाई साहब? देखो तो सही कितने पैसे? 20 रुपए। कितने पैसे देंगे आपने? मैंने 20 रुपीज दिए। 20 रुपीज देंगे मनासिब में? 20 रुपए देना और गैर कानूनी जगह पे बाइक लगाना पे तो मुनासिब तो नहीं है। फिर क्या कर सकते हैं? किस तरह की जो है वो सिचुएशन को इस तरह कंट्रोल किया जा सकते हैं? कंट्रोल पैसे नहीं है आपसे भी। कितने पैसे? 30 रुपए आपने दे दिए। मैं अब क्या करूँ? को मदद इनकी। आपने पूछा उनसे कि किसके कहने पे पैसे दे रहे हो? पर्ची कौन दे रहा है? पर्ची ये देखें दी। ये पर्ची दी ये ऊपर लिखा है 30 रुपए। अच्छा, मोटरसाइकिल के रिक्शे के 50, ये वो पर्ची है जिसके ऊपर मोटरसाइकिल के 30 रुपए लिखे हुए हैं, रिक्शे के 50 रुपए लिखे हुए हैं और कार के 100 रुपए लिखे हुए हैं। और ये वो पर्ची है जो सरकार की पर्ची नहीं है बल्कि बजाते खुद ही पर्चियां बनाई जाती हैं। 30, 50 और 100 के हिसाब से आवाम को लूटा जा रहा है। लेकिन ये पर्चियां प्रोवाइड कौन करते हैं ये आवाम को भी नहीं मालूम। और जो पर्ची दे रहे हैं उसकी जानिब से जब पूछा जाता है, उससे सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब देने से कासिर है। भाई साहब पूरी पर्ची की बुक आपके पास मौजूद है, किसने प्रोवाइड की है ये? किसने प्रोवाइड? मुलाजिम है इधर, हम खुद मुलाजिम है। किसके मुलाजिम है? बात करो ना, यहाँ पे खड़े होकर। किसके मुलाजिम है? पता नहीं, नाम का नहीं पता। नाम का नहीं पता, काम कर रहे हो? भाई साहब आपसे बात कर रहे हैं। क्या बात का जवाब दो आप? की दिखा दो जरा पर्ची की। क्या हुआ? एक मिनट बताएं क्या नहीं आपके पर्ची पास? वो वहाँ पे ले गए। हाँ। बोले हाँ। जी जी पर्ची वहाँ ले गए, मेरे सामने भी पर्ची काट के दे रहे हैं। कौन सी पर्ची है बताएं? कौन सी पर्ची? ये पर्ची आपको नहीं मिली? मैं तो लोड पार्किंग की मिली है। लोड पार्किंग की मिली है, दिखाएं। नहीं मेरी पर्ची, इसने मुझे कहा लोड पार्किंग की है। अच्छा। लेकिन अभी तक ना उसके ऊपर वो मैनेजर नहीं आया।